तो शेर खान का बेटा आखिर पहुंच गया अपने मकान तक। यहां तो बड़ी चीखें मार रहा था कि मैं दोस्ती की खातिर सारा खानदान छोड़ दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, और नतीजे ये निकला। ऐसे फसली बटेरे हमारे नजरों के सामने से बहुत गुजरे हैं दुलिया। हम तो आदमी को उसके पांव के तलवे देखकर ताड़ लेते हैं कि वो किस कबील का शख्स है। और फिर अली का तो पूरा काम कबीला आपके लिए जाना पहचाना है। उनकी मिसाल उन भेड़ियों की है जो बरसाती मौसम में घरों में सरों को छुपाकर ताक में लगे रहते हैं, और जब भूख से निडाल हो जाते हैं तो अपने बच्चों को भी हड़प कर जाते हैं। अच्छा खान, ये तो हमने कोई नई बात सुनी। ये तो इस दुनिया का पुराना दस्तूर है दुलिया। लोग गरज की खातिर गधे को भी रिश्तेदार ठहराते हैं। हाँ, शेर खान की गरज पूरी हो गई। या तो ये हालत थी कि वो गुल मोहम्मद के साये को भी पत्थर मारा करता था, और जब बेटी की नौकरी का सवाल सामने आया तो उससे गले लगाकर फिर से भाई बना ली। सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे तो इस पे हैरत हो रही है कि इतना पढ़कर भी ये हीरे और पत्थर में तमीज नहीं कर सकता। ये भी तुम्हारी तरह दिल का बड़ा साफ है खान, और खुदा बड़ा गैरती बादशाह है, इसको अपनी साफ नीयत की वजह से सब कुछ देगा। दुलिया, इसको अब भी होश आ जाए तो मैं ये समझूंगा कि मेरी मेहनत फजूल नहीं गई। आप इन छोटी छोटी बातों को इतना महसूस क्यों करते हैं मामा जी? छोटी बातें? तुम्हें क्या मालूम है कि इन छोटी बातों के पीछे कितनी बड़ी बड़ी बातें पड़ी हैं? अगर आपका इशारा अली की तरफ है तो उसे मैंने मजबूर कराकर वहां भेजा है, वो मेरी मर्जी से गया मामा जी। क्या तुम्हारी मर्जी से? उनके घर की हालत की मुझे खबर थी, सिर्फ इसलिए मैंने। हाँ हाँ, लोग पैसों की लालच में गैरतों के सौदे भी क्या करते हैं। खाली पेट सिर्फ गैरत की गजा से भरा नहीं जाता मामा जी। भूखा तो मैं भी था जिस वक्त मैं तुम्हें अपने साथ लाया था, तब मैं कोड़ी कोड़ी का मोहताज था, बिल्कुल कंगाल। अगर मैं चाहता तो तुम्हारी माँ की हकमैर की 50 जरीब जमीन गुल मोहम्मद से छीन भी सकता था, लेकिन मैंने उसे गुल मोहम्मद के पास रहने दिया। पता है क्यों? इसलिए कि लोग मुझे ये ताना न दें कि फकीर मोहम्मद बैन का मेरा सखोर बनकर जी रहा है। तुमने गैरत खाई है खान, तो खुदा ने तुमने क्या से क्या बना दिया। ये सब मौला का करम है। अब इसे भी ऐसे मकाम तक पहुंचना होगा कि इसके खानदान के लोग इसे देख देख कर रश करने लगे। तुलिया, मेरा अब इसके अलावा दूसरा कोई अरमान नहीं। पापा आपके मेहमान हैं। कौन है बेटा? अली। वो कहाँ है? बाहर कॉरिडोर में खड़ा है, मैंने बालकनी से देखा था। तुम बेटा जाओ बुला के लाओ उसे। जी। आप उसे बुला तो लाए लेकिन उसके ठहरने की जगह? इतने बड़े घर में वो कहीं भी ठहर सकते हैं ना फिर। तो फिर ठीक है, बाहर वाला गेस्ट रूम उसके लिए ठीक रहेगा। हाँ, मेरा भी यही ख्याल है।
वालेकुम सलाम बेटा। सलामकुम। वालेकुम सलाम। तुम पहुंच गए बेटा? जी हाँ। खानदाना कैसे? ठीक ठाक है जी, सभी आपको याद करते हैं। बैठो। तुमने अच्छा किया जो यहाँ आ गए, लेकिन बेटा एक बात जहन में रखना कि यहाँ आकर तुम्हें अपने गांव और गांव के लोगों को भुलाना होगा। गांव के लोगों से आपका मकसद क्या है जी? मेरा इशारा तुम्हारे माँ बाप की तरफ नहीं है। तुम्हें ये बात नहीं भूलनी चाहिए बेटा कि तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा फ्यूचर, तुम्हारा कैरियर सभी अब यहां से वाबस्ता है। मैं जानता हूं जी। तुम शायद ये बात नहीं जानते होगे कि तुम्हें यहां बुला के मैंने कितना बड़ा रिस्क लिया है। रिस्क किस बात का जी? गांव से मुतालिक पुराने वाकयात और हालात के हवाले से मेरे बीवी और बच्चे वहां के हर बंदे से बड़े एलर्जिक हैं, लिहाजा तुम्हें शुरू शुरू में बहुत एहतियात से यहां रहना पड़ेगा। मैं तो अपनी ड्यूटी के ख्याल से आया हूं, और अगर आप जरूरत महसूस करते हैं, जरूरत ना भी हो तो मुझे तुम्हें जगह देनी पड़ेगी बेटा, इसलिए कि खान लाला के मुझ पे बहुत ज्यादा एहसान आते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आओ बैठो। इसे पहचान गए? ये अली है, तुम्हारा कजन। इसके आने के मुतालिक मैं तुमसे पहले से बात कर चुका हूं। हाँ, मुझे कुछ याद आ रहा है। ये आर्किटेक्चर इंजीनियर है और तुम्हारी फर्म में अपने शोबे का इंचार्ज होगा। जैसा आप चाहते। ये ऑफिस के काम में भी तुम्हारा हाथ बटाएगा, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? आपकी मर्जी है तो मुझे क्या एतराज हो सकता है बाबा। गुड, मैं जरा रेस्ट चेंज करके आता हूँ। हाँ बेटा। नाजी बेटा, तुम्हारी मम्मी शायद चाय लेने गई हैं, जब तक चाय आती है मैं अली को इसका कमरा दिखा देता हूँ। चलो बेटा। वो तुम्हारा सामान कहाँ है? सामान तो मैंने यहाँ अपने एक दोस्त के पास रखा है, गुलबहार में उसका छोटा सा फ्लैट है। लेकिन मैंने तो तुम्हारी रिहाइश का इंतजाम यहाँ किया हुआ है, मेरा ख्याल था। मेरा ख्याल है मैं वहां ठीक रहूंगा काका जी। इसकी वजह? ये तो मैं नहीं कह सकता कि यहां रहकर मैं आप लोगों पर बोझ बनूंगा, लेकिन फिर भी ये मेरे उसूलों के खिलाफ है। गुड़ तो हमने तैयार करा लिया है, मुर्गियों का टोकरा भरा पड़ा है, अंडे भी इनके लिए मैंने जमा कर लिए हैं। मैं तो कहती हूँ ये सब कुछ लेके आपको उनके यहाँ चले जाना चाहिए। लेकिन मैं सोचता हूँ कि अभी मुझे शहर नहीं जाना चाहिए। मगर कल रात तो आप कह रहे थे। कल रात भर मेरी आंख ही नहीं लगी पलवशी, सुबह तक अपनी सोचों में खोया, करवटे बदलता रहा। आप सौदाई तो नहीं बन गए? कभी कहते हैं जाता हूं, कभी कहते हैं नहीं जाता हूं। कहीं शहर का रास्ता तो नहीं भूल गए? जाने का रास्ता याद है, लेकिन उन लोगों के यहां अपने बैठने की जगह नजर नहीं आती पलवशी। इतने बड़े घर में आपकी बैठने की जगह नहीं होगी? नफीसा तो बता रही थी कि उनका बंगला बहुत बड़ा है, पूरे एक जरीब में फैला हुआ। जमीन की तनाव जितनी फैलती जाती है, दिलों की बस्तियां उतनी सिकुड़ती जाती है। पता नहीं वो क्या चीज है जो मेरे और गुल मोहम्मद के दरमियान खड़ी है। आप दोनों के बीच हायल दीवार गिर चुकी है, और फिर आप तो अपने भाई के पीछे नहीं गए, गुल मोहम्मद खुद हमारे पास आया। हाँ, यही सोचकर तो मेरी कुछ डांस बन जाती है। गुल मोहम्मद बेचारा तो अपने बाल बच्चों को लेकर हमारे घर आया था, अब हमारे बेटे अली को अपने पास बुलवा लिया है, आप और क्या चाहते हैं? लेकिन मेरे दिल में अब भी यह खदशा है कि कहीं वहां हमारा आना जाना हमारे बेटे की जिंदगी पर असरअंदाज ना हो। वो लोग अगर अली को पराया समझते तो अपने घर में क्यों रखते? मैं तो कहती हूं उनके यहां जाकर सबसे पहले आप अली और नाजिया के रिश्ते की बात कर लें। ये तमाम बातें मेरे जहन में मौजूद है। तसव्वुर में ये दुनिया कितनी हसीन, कितनी रंगीन बन जाती है। लेकिन मोर की तरह जब मैं अपने पैरों की तरफ देखता हूं तो मुझे अपने कमाई की का एहसास काटने को दौड़ता है। मुझे बेगम साहिबा के ख्यालात का अंदाजा है नफी,
बज़ाहिर तो वो अलाउद्दीन खान की फैमिली से नफरत का इजहार करती है, लेकिन हकीकत यह है कि वो हर कीमत पर खान बहादुर के खानदान से अपनी बेटी को मंसूब करना चाहती है। अगर ये बात है तो फिर उस खानदान के लोगों से इतना अलग अलग और फासले पर आने का मतलब क्या है? चालाक लोमड़ी की तरह वो अपनी हिफाजत की खातिर शेर के पड़ोस में रहना तो चाहती है, लेकिन शेर के पंजे के खौफ से उसके करीब आने से भी कतराती है। बेगम को अपने मरहूम शोहर की दौलत और जायदाद पर घमंड है, लेकिन वो ये भूल चुकी है कि उसकी अपनी क्या हैसियत है। अलाउद्दीन खान तो उस औरत के साथ किसी तरह चल नहीं सकता, दोनों के मिजाजों का कोई जोड़ ही नहीं है। उसके बेटे का अगर जेबी के साथ रिश्ता हो भी जाए तो अलाउद्दीन और बेगम का ताल्लुक मुझे आग और पानी का मिलाप नजर आता है नफी। और ये बेगम जो हर वक्त खानदान खानदान की रट लगाए रखती है, ये खुद कौन से बड़े खानदान की बेटी है? असल खता सराहिस्ता बोलो, क्या कर रही हो? सारी दुनिया जानती है कि खान बहादुर मामू ने सिर्फ औलाद की खातर इस उम्र में दूसरी शादी की थी, और वो भी अपने नाजर की बेटी से। मैं सब जानता हूँ नफी, ये कमतरी का एहसास ही तो है जिसने बेगम को गुरूर और बड़ाई की ऊंची चट्टान पे ला खड़ा कर दिया है। और हर कमजोर पौधा अपनी बका की खातिर तनावर दरख्तों का सहारा लेने पर मजबूर हो ही जाता है। अलाउद्दीन मामू तो उसे घास भी नहीं डालते, वो तो जेबी की सालगिरह में शरीक भी नहीं हुए। अलाउद्दीन खान उसे खातिर में लाए या ना लाए और बात है, लेकिन अपनी भतीजी के लिए उसके दिल के दरवाजे खुले हैं। वो तो इस इंतजार में बैठा है कि कब बदर आ जाए और वो जेबी को अपनी बहू बनाकर घर ले जाए। किसी ने जेबी से भी पूछे? वो तो मेरे बच्चों पर जान छिड़कती है, और नाजी के बगैर तो किसी को मुंह लगाना भी पसंद नहीं करती। ओ, फिनिश बस। तुम्हारा घर ना होता तो न जाने में कितनी बोर हो जाती। इस बात पर मैं भी अक्सर सोचती हूँ जेब, तुम्हारी मम्मी सारी दुनिया से अलग थलग। हाँ नाजी, वो सारी दुनिया से दिल बर्दाश्त है। शोहर के खानदान वालों ने उनके साथ जो सलूक किया है उसके रिएक्शन में उनकी ये हालत हो गई है। ओहो, तो अभी तक गेम की बाजी जारी है। पता है जेबी मुझसे ना दो गेम जीत चुकी है। ठीक है, अब इसके साथ मेरा मुकाबला हो जाए प्लीज। आप शायद खेल कर थक गई हैं, तो फिर चलिए मैं आप दोनों को चाइनीज में ट्रीट देता हूँ। आप ट्रीट की बात करते हैं और मैं रिट्रीट की। रिट्रीट? इसको वापस जाना है आफ्ताब। आंटी की तरफ से इसको सिर्फ 2 घंटों की इजाजत मिल गई थी और इस वक्त शायद उस पर 5 मिनट ज्यादा हो गए। आ जाओ अली। वालेकुम अस्सलाम। ये अपने पास रखो अली, ये मेरे सेफ की चाबियां हैं और मैं आज ऑफिस लेट आऊंगा। बाकी बातें मैं फोन पे खादिम हुसैन को समझा चुका हूँ, मैंने तुम्हें इसीलिए बुलाया था। मैं जाऊं? ठीक है, तुम जा सकते हो। ये कौन है नाजी? मेरी फर्म के नए आर्किटेक्चर, यूं समझो मेरे सेक्रेटरी। पापा के करीबी रिश्तेदार भी हैं। पापा ने भी मेरी फर्म से पूरा यतीमखाना बना रखा है, दुनिया जहान के बेरोजगारों को ढूंढ ढूंढ कर खान कंस्ट्रक्शन में खपा लेने की जिम्मेदारी अपने सर ले ली है। हमारे पापा की तरह दिल खुदा हर किसी को दे। वैसे मेरे दिल के बारे में क्या ख्याल है नाजी? तुम्हारा दिल? अच्छा नाजी, मुझे जाना है। आई थिंक तुम दोनों की गपशप में मैं इंटरफेयर हो रहा हूँ। ये बात नहीं, मम्मी मेरा इंतजार कर रही होंगी। मम्मी के अलावा आजकल इसको अपनी स्टडी की भी फिक्र है ना। ओह आई सी, तुम दोनों के एग्जाम भी तो करीब हैं। तुम्हारा इम्तिहान कब शुरू हो रहा है नासिर खान? परसों मेरा पहला पर्चा है, कल शहर जाने का इरादा है। आप अकेले जाएंगे? अकेले से तुम्हारा मतलब क्या है? मेरा मतलब है अगर सामान वगैरह साथ ले जाना हो
फिर तो मुझे भी, मेरा मतलब है हमारा भी इसी बहाने कोई सैर सपाटा हो जाएगा। अब तो हॉस्टल में मेरा कमरा भी नहीं रहा, तालीम तो मेरी खत्म हो चुकी है, ये तो मुकाबले का इम्तिहान है और मैं खुद वहां जाकर किसी दोस्त के साथ ठहरूंगा। हाँ बेटा, तुमने तो शहर जाना था, तुम अभी तक यहाँ हो? मैं कल जाने वाला मामा जी। ठीक है, वो तुम्हारी मर्जी, मगर ख्याल रखना शहर जाकर कहीं रास्ता ना भटक जाना। आपका मतलब क्या है मामा जी? मेरा मतलब तुम खूब समझते हो, लेकिन मोहब्बत तुम्हें कहीं भी ले जाने पर मजबूर कर सकती है, मगर ये ख्याल रहे कि गलती में तुम कहीं ऐसा कदम ना उठाना जिसकी वजह से मेरी उम्र भर की मेहनत का सरमाया जाता रहे। आप मुझे समझते क्या है? क्या मैं इतना बेगैरत हूं? आप मेरी रगों में दौड़ने वाले खून पे शक करते हैं मामा जी। तुम्हारा खून, काश मैं तेरी रगों से इस खून को निचोड़ सकता जिसके साथ एक बेगैरत इंसान का नाम मंसूब है। उसके इलाज तो बस मौत है। मौत? मेरी मौत या उस शख्स की जिसका नाम मेरी जिंदगी के लिए एक ताना है। अगर मौत मेरे मुश्किल का हल होती तो मैं गुल मोहम्मद को इसका मजा कभी का चखा देता, लेकिन उसके कत्ल के साथ मेरी फांसी भी लगी थी और मेरी फांसी की शक्ल में तुम्हें पालने वाला कौन होता? बेटा, अब तुम जवान हो चुके हो, लेकिन मैं गुल मोहम्मद को मौत के हाथों मरने नहीं दूंगा, उसे मैं जिंदा दरगोर करके छोड़ूंगा। आखिर अब चाहते क्या है? मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं? तुम जहां भी जाना चाहो, लेकिन यह ख्याल साथ रहे कि अली ने तुम्हारे दुश्मन का नमक चखा है और तुम्हारे दुश्मन का नमकखार कभी भी तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। ये काम तकरीबन मुकम्मल, बिल्कुल फर्स्ट क्लास, बिल्कुल कंप्लीट। आप इसको फर्स्ट क्लास समझते हैं? और मेरे ख्याल में ये थर्ड रेट है। जी सर, यहां आकर मैंने आपके कॉम्प्लेक्स के तमाम नक्शे पूरी तरह एग्जामिन किए हैं और उनमें जगह जगह फ्लॉस और गलतियां नजर आई हैं। मैंने उनकी निशानदेही कराई है। आफताब खान ने इस काम की तैयारी के लिए बड़े एक्सपर्ट लोगों की खिदमत हासिल की, नहायत ही क्वालिफाइड लोग इस काम में सर खिन चुके हैं। इस शहर के बड़े बड़े दिमाग, बड़े बड़े दिमाग, लेकिन हाथ मुझे उनके कच्चे दिखाई दे रहे हैं। खादिम हुसैन साहब, मुझे ये सब कुछ बदल देना होगा। ये आप क्या कह रहे हैं सर जी? इस तमाम स्ट्रक्चर में मुझे गड़बड़ नजर आ रही है। गड़बड़? कहवा मंगवाऊंगा आपके लिए। शुक्रिया। चाय का मूड है सर? नाश्ता मैं अभी अभी करके आया हूं। और यहां हमारे करीब आला किस्म के मुर्ग छोले भी मिलते हैं। खादिम हुसैन, ये काम की जगह है और जल्द अज जल्द यहां के बहुत सारे टेढ़े मसले सीधे करने हैं। आप जानते हैं कंस्ट्रक्शन के कामों में बाजुका छोटी छोटी टेक्निकल खामियां भी कंपनी के नाम पे धब्बा लगा सकती हैं। इतनी मगज खपाई की कोई जरूरत नहीं, सरकारी काम है और हमारे गुल मोहम्मद साहब के हाथ बड़े लंबे हैं। पता नहीं हमारे लोग सरकार को क्या समझते हैं, ऐसे लगता है जैसे किसी गैर मुल्की साम्राज्य का नाम हो। हम ये क्यों नहीं समझते कि जिस काम के साथ सरकार का नाम लगा हो वो मेरा भी है और तुम्हारा भी। आपकी अप्रोच मेरी समझ से बाला है सर। तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए खादिम हुसैन, ये कॉम्प्लेक्स हमारे आने वाली नस्लों का सरमाया है। इसमें किसी किस्म की खामी, किसी किस्म का धोखा भी पूरी कौम के साथ बेईमानी है। फर्स्ट क्लास सर। इस कॉम्प्लेक्स के सारे ब्लूप्रिंट्स नए सिरे से तैयार करने पड़ेंगे। फर्स्ट क्लास सर, लेकिन हमारी फर्म को इस काम के लिए दोबारा खर्चा करना पड़ेगा। इस फर्म के साथ मेरे चाचा का नाम भी मंसूब है। मैंने तुम्हें आज एक खास मिशन के लिए बुलाया जी। कौन सा मिशन सर? इस वसी दुनिया में एक तुम ही मेरी नजर में मोतबर शख्सियत हो। मोतबर? मैं? शायद लफ्ज मोतबर का सही मफहूम ही तुम्हें मालूम नहीं है जी। मोतबर वो जिस पर एतमाद किया जा सके। थैंक यू सर। तुम्हें देखकर अपनी जिंदगी पर एतमाद बहाल होता है। तुम मेरे लिए तवानाई का पैगाम लेकर आते हो, दिल के लिए सुकून, जहन के लिए इत्मीनान, एंड व्हाट नॉट, एंड व्हाट नॉट। ये सब आपकी करम फरमाई है सर, वरना मुझे अपने आप में ऐसी कोई चीज नजर नहीं आती। तुम्हारे अंदर बहुत कुछ है, बहुत कुछ है।
जो तुम्हें दिखाई नहीं देता उसे मैं महसूस कर सकता हूं। आप हुक्म करें सर, मैं ताबेदार हूं, मैं गुलाम हूं। गुलाम? ये गुलामी से बढ़कर फजूल लफ्ज मैंने डिक्शनरी में देखा ही नहीं। ये कितना गिरा और फजूल खिताब तुमने अपने लिए किस ख्याल से मुंतखब किया है जी? मालूम नहीं क्यों सर, आपकी खाकसारी और मुनकसर मिजाजी के सामने आदमी का सर खुद खुद झुक जाता है सर। लेकिन मैंने तो कभी किसी के आगे सर नहीं झुकाया, बेगर सर कभी किसी के आगे नहीं झुका करता जी। अब मानता हूं सर, मेरा ताल्लुक जिस महकमे से रहा है तुम्हें मालूम है, वहां लोगों ने जाने बनाई है, बैंक बैलेंस, जायदादें, गाड़ियां एंड व्हाट नॉट एंड व्हाट नॉट, ये तो है। और मैं चीफ के ओहदे से रिटायरमेंट के बाद भी बड़ी मुश्किल से अपने लिए ये घर ही बना सका जिसमें मैं रहता हूं। अल्लाह ने आप पर बहुत बड़ा कर्म किया है सर, मैं जानता हूं कि इस मकान की कंस्ट्रक्शन में भी आपकी जाती जायदाद का कुछ हिस्सा सर्फ हुआ है। और तुम्हें यह भी मालूम है कि मैं अपने जाती मामलात में दूसरों की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करता। मानता हूं सर, बात उसूलों की है, लेकिन कभी कभी इंसान मजबूर हो जाता है। आज मैं अपने उसूलों के खिलाफ तुमसे एक जाती नौयत के मसले पर मशवरा करना चाहता हूं। फरमाए सर। कल कैलिफोर्निया से बदर का खत आया, वो यहां आने के लिए राजी हो गया है, मेरा बेटा आ रहा है। बदर आ रहा है सर? और उसके आने से पहले मैं बेगम साहबा के साथ अपना मामला तय करना चाहता हूं। मैं अपनी भतीजी को हर कीमत पर इस घर में देखना चाहता हूं और यह काम मैं तुम्हारे सुपुर्द करता हूं। आप फिक्र न करें सर, मैं आज ही नफी को उनके यहां भिजवाने का इंतजाम करता हूं। नफी? आपकी भांजी आफताब की मां इन कामों को मुझसे ज्यादा वो समझती है। ओ लड़के तुम कहां हो? अरे ये तो सो रहा है। वकार अली शाह, अरे उठ भी जाओ, ये कोई सोने का वक्त है? वकार अली शाह। विकी प्लीज। तुम तो बैठे बैठे ख्वाब देखने लगे, क्या हो गया है तुम्हें? बहुत ऊंचा ख्वाब देख रहा था, बहुत ऊंचा चला गया था दूर कहीं अनजानी फिजाओं में। अब थोड़ा नीचे भी आ जाओ, ये लो पैसे गिन लो और फिर जहां जी चाहे जाओ और मजे उड़ाओ। लो क्या है? तुम्हारी तनख्वाह। तनख्वाह? कितना अच्छा होता अगर ये मुझे वक्त पर मिल जाती। आज पहली तारीख है और बेगम साहबा पहली की पहली मुलाजिमों की तनख्वाहें तकसीम करती हैं और तुम पहली से भी पहले। खैर अच्छी तरह गिन लो इन पैसों को। अब इनका क्या मकसद? जेबी की साल की रातों गुजर चुकी। तुम्हारा मतलब क्या है? इन पैसों से मैं जेबी के लिए एक खूबसूरत सा गिफ्ट खरीद सकता था। बेटे तुम मुझे बहुत ही बेवकूफ नजर आते हो। लैंग्वेज प्लीज। छोड़ो यार, खाते हो अचार और डकार लेते हो पुलाव का। मेरी तरह मुलाजिम आदमी हो, अपनी हैसियत पहचान। हैसियत को छोड़ो और मेरे ख्यालात पहचानने की कोशिश करो। तुम्हारे ख्यालात बहुत ऊंचे हैं अंकल, बहुत ऊंचे। इतनी ऊंची आवाज में मत बोलो, बेगम साहबा के पास मेहमान बैठे हैं। मुझे मालूम होता कि मेरी बात से आपको इतना दुख पहुंचेगा तो मैं कभी ये जुर्रत ना करती। ये लोग मेरे साथ मजाक करते, इन्होंने उम्र भर मेरी हंसी उड़ाई है। तुम बैठो नफीसा, आप खड़ी हैं तो मैं कैसे बैठ सकती हूं? बैठो सिफतुल्ला जी।
एक ग्लास पानी। जी। चाय तैयार हुई है? नहीं अभी ला रहा हूं। पता नहीं ये लोग मुझसे क्या चाहते हैं। नाजी के पापा बता रहे थे कि बेगम साहिबा की भी यही ख्वाहिश है कि जेबी का रिश्ता अपने घर आने में हो, लेकिन उस घर में जहां मुझे भी इज्जत मिले। इलाउद्दीन मामू की आंखें तो कब से आपके घर पे लगी हुई हैं। वो अगर ये समझ बैठे कि मैं अपनी बेटी को प्लेट में सजाकर उनके घर भिजवा दूंगी तो ऐसा कयामत तक नहीं होगा नफीसा। वो कोई गैर तो नहीं, जेबी के वालिद का सगा भाई है। उसकी जिंदगी में इन लोगों ने मुझे मुंह भी नहीं लगाया और अब आए हैं मेरे साथ रिश्ते जोड़ने। उन्होंने मुझे कभी अजीज नहीं जाना, वो मेरी बेटी को क्या खाक इज्जत देंगे? ये तो हम भी जानते हैं कि उन्होंने आपके साथ कैसा सलूक किया था, लेकिन ये तो हमारी ख्वाहिश है कि इस रिश्ते से दोनों घराने फिर से एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। ये तुम्हारी ख्वाहिश है नफीसा? हाँ, इलाउद्दीन मामू ने तो इस बारे में अपनी जबान भी नहीं खोली। अच्छा, उसने अभी तक जबान भी नहीं खोली? वो किस मुंह से मेरे सामने जबान खोल सकते हैं नफीसा? और आप भी आइंदा खुदा के लिए उन लोगों की सिफारिश लेकर यहां आए। ठीक है सिबतुल्ला जी, दिल की बात बता दूं तो मेरा खुद भी यही ख्याल है कि अपनों से गैर लाख दर्जे बेहतर होते हैं। हमारी नाजी के लिए खानदान के बेशुमार रिश्ते आए, लेकिन मैंने किसी को मुंह नहीं लगाया। जेबी को तो अभी मैं अपने आप से जुदा भी नहीं कर सकती, इस बारे में तो मैंने भी सोचा भी नहीं। अपने आफ्ताब के लिए भी मैं खानदान से बाहर ही लड़की ढूंढ रही हूं। अपने तो वही हैं जो आपको दिल में जगा दें। बेटा बहुत याद आ रहा है पलोशी। आपको याद नहीं आ रहा क्या? मुझे तो खुशी इस बात की है कि उसका वहां दिल लग गया है और उस घर में मेरी बेटी के लिए जगह पैदा हो गई। और मेरी ये दुआ है कि वो लोग अली को दिलों में भी जगह दें। जब इतना कुछ हो गया तो ये भी हो जाएगा। मुश्किल मरहला तो मेरे भाई का मेरे घर आना था और गुल मोहम्मद ने अपने बाप के दहलीज को पार कर लिया तो सब दरवाजे खुल गए। अगर अपने भाई पर इतना ही भरोसा है तो फिर गुल मोहम्मद के साथ अली के रिश्ते की बात तय क्यों नहीं कर लेते? इतनी जल्दी भी क्या है पलोशी? जल्दी? पूरे 16 बरस मैंने इस दिन का इंतजार किया है। 16 बरस बाद मैंने नाजिक का चेहरा देखा है, आपको कुछ याद है? अब मेरी याददाश्त इतनी भी कमजोर नहीं है पुलवशे। मुझे तो वो लम्हा भी याद है जब बेबे ने अली के लिए नाजी का रिश्ता तजवीज किया था। उस वक्त उसकी उम्र 4 बरस थी, लेकिन 16 बरस गुजरने के बाद पता नहीं उन लोगों को कुछ याद भी है या नहीं। 16 बरस ही गुजरे हैं ना, कहीं दुनिया तो नहीं बदली? आप गुल मोहम्मद के कान तक अपनी बात पहुंचाएं तो सही। ठीक है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो मैं आज ही शहर रवाना हो जाता हूं। कुछ सुनाओ ना प्रिंस, इस फिल्म में प्रोग्रेस का दारोमदार मेरे पापा के एक्शन पर है। और तुम्हें तो पता है कि पापा हर मसले में पूरी प्लानिंग और मंसूबाबंदी के कायल हैं। कुछ मालूम है कि अंकल कब एक्शन में आने वाले हैं? अभी तक तो खामोशी ही खामोशी है। इसका मतलब है तुम्हारी प्रोग्रेस रिपोर्ट बिल्कुल निल है। पापा कभी भी घाटे का सौदा नहीं करते। और लड़की के अंकल के चक्कर का क्या नतीजा निकला? प्रिंस तुमने बताया था कि अलाउद्दीन खान भी अपने बेटे के लिए उम्मीदवार हैं। उम्मीदवार तो उसके हजारों होंगे, लेकिन होगा वही जो मैं चाहता हूं कामी। वैसे
लड़की के साथ कभी बिलमशाफी बात हुई है? मेरा मतलब डायरेक्ट अप्रोच से। मिलता तो मैं रोज ही हूं उससे, लेकिन उसके सामने दिल की बात, ये मरहला अभी बाकी है। और ये बड़ा मुश्किल मरला होता है जोशी। छोड़ यार, ये तो मुझे सावन का प्यासा नजर आ रहा है कामी, तस्वर की हरियालियों में भटकने वाला। दरअसल वो लड़की है बड़ी सीरियस, बड़ी रिजर्व। बेगम साहिबा ने उसे दुनिया की नजरों से दूर कैप्सूल में बंद करके रखा हुआ। कैप्सूल में? वाह, उसकी मिसाल एक ऐसी बुद्ध की है जिसकी निगाहों के खामोश पैगाम बराबर मेरे दिल तक पहुंचते चले आ रहे हैं, लेकिन उसके होंठों पे शर्महया की मोहरें लगी हैं। इतनी उदास और खामोश क्यों घड़ियों से भी? तुम्हें क्या हो गया बेटी? मैं यहां किससे बातें करूं मम्मी? यहां कौन है? स्टडी खत्म हो गई जी? तुम्हारी नफीसा आंटी आई थी, चली गई। और यहां लोगों की वकालत करने आई थी। मैं सो चुकी हूं मम्मी। हमारी बातें जी, मेरा कमरा आपके कमरे से पैवास्त है और आप दोनों बड़ी ऊंची आवाज में बातें कर रही थी। अब वो आवाजें भी ऊंची होने लगी, उन लोगों की जुबानें भी लंबी हो गई, हमारे घर तक पहुंच गई, जो अब तक दूर दूर से हमारी बेबसी का नजारा कर रहे थे। आपका इशारा शायद मेरे चचा की तरफ है। सिर्फ वो नहीं, तुम्हारे बाप का सारा घराना। इस खानदान के लोगों ने हमेशा मुझे हकारत की निगाहों से देखा। हमारा भाई है मेरे घर पर दावा करने। दावा किस बात का? अलाउद्दीन अपने बेटे के लिए तुम्हारा रिश्ता मांगता है, और वो भी गैरों की जुबानी। नफीसा आंटी को आप गैर समझती हैं मम्मी। अलाउद्दीन अगर खुद यहां आ जाता तो उसके पांव शल हो जाते। वो ये बात अगर खुद मुझसे कर लेता तो उसकी जबान कट जाती क्या? आप किसी की परवाह क्यों करती हैं मम्मी? तुम्हारे बाप के रिश्तेदारों ने मुझे उम्र भर जलील किया है। भी ये लोग मुझे हकीर समझते हैं, हंसते हैं मुझ पर, हंसते हैं। मम्मी, सर जी क्या हो गया तुम्हें? क्यों, तुम्हें क्या हो गया? आप इतनी ऊंची आवाज में कहका है लगा रहे थे, इसलिए मैं फिक्रमंद हो गया। तुम्हारा ख्याल था कि शायद मैं पागल हो गया हूं, लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं। अभी तो ये मेरी 65वीं सालगिरह है, अभी मेरे नर्व्स बिल्कुल स्ट्रांग है। हाँ, हंसी तो मुझे इस बात पर आ रही है कि शायद मैं दुनिया का वाहिद शख्स हूं जो अपनी सालगिरह भी मना रहा है, और वो भी अकेले। सर, इसकी जरूरत क्या थी? इसकी जरूरत है, और वो इसलिए कि हर बर्थडे पर इंसान को अपनी गुज़श्ता हमाकतों पर सोचने का मौका मिल जाता है। बड़ी सोच के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मुझसे भी जिंदगी में दो बड़ी हमाकतें हुई हैं। जानते हो क्या? नहीं सर। पहली बड़ी हमाकत यह कि मेरे दो ही बेटे थे, और दोनों बच्चों को मैंने आला तालीम की ख्याल से फौरन भिजवा दिया। और दूसरी बड़ी हमाकत यह कि बच्चों को लाने के लिए उनकी मां को बच्चों के पास भेज दिया। अब नतीजा ये कि बच्चे भी हाथ से गए और झूला भी।
इसके बाद क्या होगा सर? इसके बाद बर्बादी, डिक्लाइन, डिजास्टर, डिपार्चर एंड व्हाट नॉट एंड व्हाट नॉट। हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी। सर जी, आपके सालगिरह के मौका पर ये गिफ्ट भी आई है सर। कौन लाया ये गिफ्ट? ये अनइनवाइटेड गेस्ट कौन है? कैसे आदम का ये? ओ, समझ गया। हाँ, ये जरूरत तो जीएम ही कर सकता है। ओ नहीं सर, मुझे बाहर का नहीं लगता है, मुझे बिरयानी से लगता है। ओ तो फिर जरूर ये मेरे बच्चों में से किसी का दोस्त होगा। अमेरिका से तो पाकिस्तान लोग आते रहते हैं। जो जल्दी से बुला लो उसे, बुला लो उसे। इन फूलों से तो कैलिफोर्निया की खुशबू उठ रही है। अमेरिकन शौक, शायराना इंतखाब, हुस्न में सादगी, सादगी में हुस्न एंड व्हाट नॉट एंड व्हाट नॉट। माय नेम इज विकी सर। विकी फ्रॉम कैलिफोर्निया। विकी फ्रॉम बटाग्राम्स। बटाग्राम? विच बटाग्राम? अमेरिका में तो बटाग्राम नाम की कोई जगह नहीं है। सर मैं पाकिस्तानी स्टार हूं, बेगम साहिबा का रिश्तेदार। रिश्तेदार? रिश्तेदार कम प्राइवेट सेक्रेटरी। ओ गया, बेगम साहिबा आखिर रास्ते पर आ ही गई है। ये गिफ्ट उनकी तरफ से? नहीं सर, ये मेरी पर्सनल अप्रोच। तुम्हारी पर्सनल यानी तुम्हारी जाती? आपकी जात से मुझे गायबाना अकीदत है। लेकिन तुम्हारे साथ मेरा गायबाना तारुफ भी नहीं है। मिस्टर मिस्टर व्हाट? विकी सर, विकी। विकी बेटे, तुम्हारी क्वालिफिकेशन? ग्रेजुएट, सिंपल ग्रेजुएट। लेकिन सर मेरे ख्यालात बहुत ऊंचे। मेरा बर्थडे बहुत मामूली सा है। अब तुम यहां आए ही हो तो तुम्हें ये खाना पड़ेगा। थैंक यू सर, थैंक यू, प्लीज, थैंक यू। लेकिन केक खाने से पहले तुम्हें ये बताना होगा कि तुम्हें मेरे बर्थडे की खबर किसने दी। हालांकि ये ओकेशन तो मैंने सबसे छुपा कर रखा है। सर, बेगम साहिबा का प्राइवेट सेक्रेटरी होने की वजह से उस फैमिली के तमाम सीक्रेट का पता लगाना मेरी ड्यूटी है सर। लेकिन ये सीक्रेट तुम्हें बताया किसने? सर अंकल सिफतुल्ला ने सर। अंकल सिफतुल्ला? अस्सलाम वालेकुम। काका जी घर पर हैं? मुझे नहीं मालूम। मुझे उनके साथ कुछ जरूरी बातें डिस्कस करनी है नाजी। ऑफिस की बातें ऑफिस में भी क्या हो सकती थी? यहाँ आने की क्या जरूरत थी? क्या आपको मेरे यहाँ आने पर एतराज है? एतराज तो तुम्हें खुद था और इसका मुजाहरा तुमने यहाँ आते ही किया है। मैं समझा नहीं नाजी। ये घर शायद तुम्हारे रहने के काबिल ना था, इसलिए तुमने अपने लिए बाहर ठिकाना ढूंढ लिया। क्या वहां तुम्हें यहाँ की निस्बत बेहतर सहूलतें मिलेंगी? बात सहूलतों की नहीं, सुलों की है नाजी। मैं खुद को यहाँ एडजस्ट करने में मुश्किल महसूस कर रहा हूँ। मुश्किल? अपनी सहूलतों की खातिर मैं दूसरों पर बोझ बनना नहीं चाहता। ये सीधी सी बात है, आप इसको समझने की कोशिश करें। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ अली, तुम बताते जाओ, लेकिन जरा जल्दी जल्दी, मुझे एक दावत में भी जाना है। ये रहा आपका पेट्रोल पंप।
ये सर्विस स्टेशन, इन दोनों के अकर में फ्लोर मिल, और ये आपके घर का नक्शा है जी। बाकी तो सब ठीक है, फ्लोर मिल के बारे में मेरे जहन में कुछ पॉइंट्स हैं, वो मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा। घर का नक्शा हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अली, घर के नक्शे में तुमने हुजरे को देहाती रंग क्यों दिया? गांव के माहौल में यही मौजूद लगता है काका जी, और अगर आपको पसंद नहीं तो मैं... नहीं नहीं, ठीक है, इसको हम फिर किसी वक्त डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल तो मैं एक और बात करना चाहता हूँ तुमसे। कौन सी बात जी? बेटा, तुम्हारे खिलाफ कुछ शिकायत मिली है मुझे। जी, आफ्ताब कहता है कि तुमने हमारे कॉम्प्लेक्स के नक्शों में कुछ तब्दीलियां तजवीज की। तब्दीलियां नहीं, वो सारी डिजाइनिंग ही सिरे से गलत है, और मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट कभी भी उसकी मंजूरी नहीं देगी। जहां तक डिजाइनिंग की बात है तो ये चंद आउटस्टैंडिंग एक्सपर्ट्स के दिमाग का निचोड़ है। रहा मंजूरी का मसला, तो उसके लिए मेरे आदमी मौजूद है, इस महकमे के बिग गन से मेरी शनासाई है, लेकिन मैं कौन से ज्यादा उसके मयार का कायल हूं जी। ये बिजनेस की दुनिया है अली, यहां काम के मायार अलग होते हैं और व्यापार के अलग। हर इदारे की रेपुटेशन भी होती है, और हर इंसान का खुद अपना भी एक मायार होता है काका जी। कारोबार की दुनिया में हमें कारोबार के उसूलों पे चलना होगा अली। हर बिजनेसमैन की गरज अपने मुनाफे से होती है, और इसमें किसी दूसरी बात की कोई गुंजाइश नहीं। समझ आई मेरी बात जी? अच्छा, अब तुम्हें बेगम साहब का कहाँ जाना है? उनके काम के बारे में मैं तुम्हें पहले से बता चुका हूं। ठीक। ये प्लान आपका अपना है जी? ये दावा तो मैं नहीं कर सकती, इसलिए कि ये मंसूबा गुल साहब ने हमारे लिए बनाया था। मैं तो एक घरेलू खातून हूँ, और सेवी को अपनी पढ़ाई से फुर्सत नहीं मिलती। ये मैं साइकोलॉजी फाइनल ईयर के एग्जाम्स की तैयारी कर रही हूँ। फिर तो आप नाजी क्लास फाइनल लगती है। लगती नहीं हूँ। बड़ी अच्छी बात है। ये और नाजी बिल्कुल सगी बहनों की तरह, और गुल साहब मेरे भाइयों जैसे हैं। वो आपसे बेहद मुतासर है। वो हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। मम्मी को अंकल ने प्लाजा बनाने पर मजबूर किया था, अगर हम ऐसा न करते तो उनका खुद अपना इरादा था इसे तामीर करने का। असल में ये प्लॉट बहुत पहले खान बहादुर साहब के नाम अलॉट हुआ था, एक तरह से ये उनकी यादगार है, और इस पर बनी हुई बिल्डिंग भी इंशाल्लाह एक यादगार होगी। लेकिन खर्च का जो तखमीना आपने बताया है वो हमारी पहुंच से बाहर। कंस्ट्रक्शन के खराजात तो आजकल आसमान से बातें कर रहे हैं जी। और आसमान के लिए हमें कुछ जमीन भी बेचनी पड़ेगी। और आपका प्लॉट बिजनेस सेंटर में वाकया है, और आप जितना भी इन्वेस्ट करेंगी उससे कहीं ज्यादा इस प्लाजा के रिटर्न की सूरत में आपको वापस मिल सकता है। आपका फोन है बेगम साहब। अच्छा, एक्सक्यूज मी। नाजी कहती थी आप उनके रिश्तेदार हैं। रिश्तेदार जी, लेकिन मैं रिश्तों के हवालों से किसी से भी अपना तारुफ नहीं कराना चाहता। वो क्यों? रिश्तों की अहमियत और वजाहत वक्त और मुकाम की निस्बत से बदलती रहती है, और इंसान की शख्सियत बुनियादी तौर पर हर जगह एक जैसी रखती है। शख्सियत बनाने में माहौल और हालात का भी बड़ा हिस्सा होता है। बनाने में कम और बिगड़ जाने में ज्यादा। अक्सर लोग अंदर से वो नहीं होते जो बाहर से नजर आते हैं। ये देखने वाली आंख की कमजोरी भी हो सकती है। लेकिन ऐसे भी तो लोग होते हैं जो होते कुछ हैं और पेटेंट कुछ करते हैं। उसे हम अधूरी शख्सियत भी कह सकते हैं, नामुकम्मल। आपने नफ्सियात का मुताला किया? बकायदा तो कभी नहीं। हाँ, जिंदगी के तजर्बात और मुशाहदात की रोशनी में बादशोर शख्स इतना कुछ तो बयान कर सकता है जो वो समझ जाता है। अच्छा छोड़िए इस बहस को, मैंने आपको काफी बोर किया। नहीं, ऐसे तो कोई बात नहीं। अंकल गुल के पास आपका मुस्तकिल बुनियादों पर ठहरने का इरादा है? फिलहाल तो आप यूं ही समझ लें, बाकी हालात पर मुनसिर है। सर, यहां भी आपकी साइंस बाकी है। हमारा अली कैसा जा रहा है? सर,
सर आदमी तो समझदार है लेकिन जरूरत से ज्यादा होशियार। बस आप उसे यह हिदायत करें कि हर काम में बेजा मदाखलत न करे सर। हाँ वो मैं उसे समझा चुका हूँ। राइट सर, थैंक यू वेरी मच सर। सर मुझे इजाजत है। हाँ खादिम हुसैन ठीक है, तुम दो। शुक्रिया सर, खुदा हाफिज। कहाँ गए ये सब लोग भाई, घर में कोई है? अरे ये तो खान लाला की आवाज मालूम होती है। अस्सलाम वालेकुम खान लाला। अस्सलाम वालेकुम। आपके साथ कोई और भी है? हाँ वो इंजर बुलाया था मेरे साथ, उसे मैंने यहीं से रुखसत कर दिया। अच्छा तुम ऐसा करो कि बाहर मैं अपने साथ कुछ सामान लेकर आया हूँ, किसी कह दो अंदर पहुंचा दे। सामान कैसे खान लाला? वो खाने पीने की कुछ चीजें हैं। आपने क्यों तकलीफ की, यहाँ किस चीज की कमी है? बैठे भाई यहाँ सब कुछ होगा लेकिन गांव के मेवे नहीं होंगे। मैं अपने बच्चों के लिए मसालेदार गुड़ लेकर आया हूँ, देसी घी, देसी मुर्गियां, अंडे, ज्वार का आटा। अच्छा ये बताओ कि घर के बाकी लोग कहाँ हैं? हमारे घर वाले आज चीफ साहब के यहाँ गए हैं। वापस तो आएंगे ना? क्यों नहीं, बस अभी पहुंचने वाले होंगे। अली कहाँ है? वो उसको मैंने बेगम साहिबा के यहाँ भेजा है। बेगम साहिबा? ये हमारे बड़े करीबी दोस्त हैं, हमारे अलाउद्दीन खान के मरहूम भाई की बेवा। वो यहाँ पर एक प्लाजा, एक शानदार बिल्डिंग तामीर कराना चाहती हैं और उसके लिए नक्शों का काम मैंने अली के सुपुर्द किया है। अच्छा अच्छा, अली यहाँ खुश है? ये तो उसे खुद बताना पड़ेगा। वैसे हमारी तरफ से हर सहूलत मुयसर है, उसे गाड़ी भी मिली हुई है उसको। अच्छा। हाँ खान लाला, उसे तो मैं अपने बेटे की तरह समझता हूँ। भाई बेटे की तरह क्यों, उसे अपना बेटा ही समझ लो, और खाली समझने से भी काम नहीं चलेगा। तुम ऐसा करो कि उसे अपना बेटा बना लो। अब मेरी बात समझ में आ गई? आप कहना क्या चाहते हैं खान लाला? भाई अली और नाजिया की बात आज से 16 बरस पहले हमने की थी, तुम्हें याद होगा। अरे खान लाला, हवा की बातें हवाई में गुजर जाती हैं। हवा की बातें? तुम्हारा क्या मतलब है कि हम कचहरी जाकर उसके लिए स्टाम्प पेपर लिखना था? भई ये तो घर की बात थी। मुझे जवाब चाहिए गुलू। ये जवाब इतना आसान नहीं है खान लाला। इसका मतलब है कि तुम मुझ में और अपने आप में फर्क कर रहे हो। इसका मतलब यह भी नहीं है कि मैंने आपको जवाब दे दिए खान लाला। हमारे कल और आज में बरसा बरस का सफर पड़ा है और ये सफर मैं मिनटों में तय नहीं कर सकता। इसके लिए मुझे थोड़ी सी मोहलत चाहिए, थोड़ा सा इंतजार खान लाला। इंतजार की हिम्मत है मुझ में लेकिन इनकार की ताब नहीं गुल मोहम्मद। तुम मेरे एक ही भाई हो और अली मेरा इकलौता बेटा।